सिक्किमको विनाशकारी वारको चपेटमा ज्यान गुमाउनेहरू मध्ये भारतीय सेना जवान विमल उडावको पार्थिव शरीरलाई शुक्रबार दिनको कालचिनी खण्ड अन्तर्गत पर्ने मधु चियाबारीमा ल्याई पुर्याइएको थियो भने त्यहाँबाट अन्तिम संस्कार गर्न वास्टा नदीको घाटमा लगिएको थियो। तर त्यही वास्टा नदी नजिकै रहेको गोदाम डाबरीको नयाँ घरमा शहीद विमल उडाव आफ्नी पत्नी र एकजना दिव्याङ्ग छोरासँग बस्दै आइरहेकोले घाटमा पुर्याउन अघि सो घरमा पनि लगिएको थियो। त्यसपश्चात तिनको पार्थिव शरीरलाई सेना जवानहरूले सैनिक सम्मानको साथ बन्दुकको सलामीसितै श्रद्धाञ्जली दिएको थियो। यसै क्रममा शहीद विमल उडावको अन्तिम संस्कार तिनको पारिवारिक नियम मुताबिक जमिनमा तोपेर गरिएको थियो। यसै क्रममा द हिमाल वर्ल्डको प्रतिनिधिसितको कुराकानीमा शहीद विमल उडावको धर्मपत्नी तनुजा भगत उडाव र मधु चियाबारीको समाजसेवी इस्दोर खरिया र प्रकाश लोहारले के भने सुनौ। 12 साल हो गया। कितना बच्चा है आपको? एक ही बच्चा है। एक ही बच्चा है, वो भी अभी ये अवस्था में है। इसलिए कितने दिनों पहले छुट्टी में आए थे विमल यहाँ पर? आए थे एक महीना। एक महीने के लिए आए थे? एक महीने पहले वो इसी घर में आए थे ना? हाँ। क्या बोल के गए? फिर आएंगे बोल के गए थे। अच्छा। उनका ड्यूटी कहाँ पर था? वो तो बिना गोनी में पोस्टिंग था, वो ट्रेनिंग था उन लोग के, इसीलिए एक महीने के लिए गए थे। अच्छा, तो सिक्किम में था उस वक्त जब फ्लड हुआ? हाँ, वो आ रहे थे ना। हाँ। तो क्या क्या सेना का क्या गाड़ी चलाते थे? हाँ। अच्छा। ड्राइवर थे। अच्छा। आपका नाम क्या है? तनुजा भगत उड़ाव। मैंने जलाने के जगह में यहाँ पर जो दफन किया जा रहा है, ये पहले से ऐसा ही नियम है? एक्चुअली हमारे शहीद जवान विमल उड़ाव जी सिक्किम में जो प्राकृतिक आपदा मैंने जल प्रवाह के कारण से विगत चार तारीख को फ्लड इफेक्टेड में ही उनकी शहीद हो गई। हमारे मधु चाय बागान की निवासी है, और आज 5 तारीख उनके डेड बॉडी को हमारे बिरनागुड़ी स्टेशन पे रखा हुआ थे। आज 6 तारीख को हमारे यहाँ पूरे बागान के कर्मचारी के साथ पूरा डुअर्स के समस्त चाय बागान से आए हुए उनके परिजनों भी थे, और आज हमारे बसरा नदी जो कलचिनी ब्लॉक के बसरा घाट में उनका अंतिम शेष श्रद्धा देने के लिए हमारे सभी जगह से पहुँचे हुए थे। और एक्चुअल यहाँ उनके जो पारंपरिक जो नियम के अनुसार यहाँ उनके दफनाया गया, और ये दफनाने के बाद में हमारा यहाँ जो समाज को जो भी शमशान बंधु जो है आए हुए यहाँ, इनके लिए उनके नाम पे 10 दिन माने 11वां दिन में उनका काम क्रिया होगा, और 10 दिन में उनका जो हम लोग में जो बोलता है छुआछूत, ये मिटाएंगे। आप उन्हीं के परिवार? मैं मधु चाय बागान का निवासी हूँ, और हमारे अच्छा संबंध थे उन भैया से, और जब भी छुट्टी में आते थे यहाँ पे तो हम लोग से बहुत मधुर संपर्क थे, और भैया बहुत सादा सीधा सरल स्वभाव के थे। आपका नाम? मैं प्रकाश लोहार, मधु चाय बागान निवासी। ये जो सुनने में आया बहुत खबर जो त्रासदी था वहाँ पर जो फ्लड हुआ सिक्किम में, तो यहाँ का सेना जवान जो था मधु चाय बागान वो बेचारा वहाँ पर वो शहीद हो गया। हाँ, ये बहुत ही बड़ा दुखद का बात है कि नहीं होना चाहिए था ऐसे, लेकिन अब प्राकृतिक का ऊपर में तो और कोई नहीं है, लेकिन आज विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह का कोई एक प्राकृतिक आपदा हुआ। और दुख का साथ साथ उस परिवार का आज यहाँ पे जिस तरह से उनको सलामी देने के लिए आज पहुँचा है पब्लिक, तो उनका परिवार को हम लोग यही बोलना चाहता है कि आप लोग मत चिंता मत कीजिए, आपका सामने हमेशा आज इतना भीड़ भड़ाका दिखाई दे रहा है, सभी को उस परिवार का साथ में हम लोग इकट्ठा खड़ा रहेगा, और उनका दुख में हम लोग वो लोग का दुख तकलीफ में जितना हम लोग का हाथ में हो हम लोग सहयोग करेंगे। मैंने इनका परिवार में कौन कौन है? इनका परिवार में उनका मिसेज था, उनका पिताजी, माताजी, उनका एक हैंडीकैप बच्चा है, और उनका भाई बहन, उनका बहन का भाई का मिसेस, और उनका जो दो बच्चा। आपका
नाम? मेरा नाम इजदूर खड़िया। आप मधु चाय बगान? हाँ मधु चाय बगान। नागालैंड स्टेट टीयर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 गारंटीड टिकट मूल्य 200 रुपया पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरुबाट